स्टेज पे बैठे वाइज़त उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम। आज वाकई बहुत खुशी का दिन है। पहली बार इस मदरसे ने अपने मेहनत का असर दिखाने के लिए आप सबों को बुलाने का काम किया। आप आए, बहुत ही आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस मदरसे की जानिब से, अपनी ओर से। हमारे तमाम उलमा इकराम जो बाहर से आए मेहमान, उनको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस बंजर से जैसी जगह में आने का काम किया। मैं अपने आए हुए मेहमानों को थोड़ी सी बातें यहाँ के बारे में बताना चाहूँगा, और खास के इस जगह के लोगों को, मुरकमनाय के रहने वाले लोगों को, अंबाटाण के रहने वाले लोगों को भी कुछ बातें बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपकी तादाद हमें नज़र नहीं आ रही है। ये बड़ी अफसोस की बात है। अभी भी हमें लग रहा है कि अंबाटाण और मुरकमनाय के तीन हिस्सा लोग घर में ही हैं या तो बाजार में घूम रहे हैं। आज अभी हमसे पहले बड़े कम शब्दों में और बड़ी अच्छे अंदाज में मौलाना नौशाद आपको दौरे हालात के बारे में बता रहे थे कि आज आपकी हालात कहाँ पे है, कहाँ पे आप खड़े हैं, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। अब कितना मारे जाओगे? सारी हदें तो पार हो चुकी है। भले आपके साथ ये घटना नहीं हुई हो, लेकिन किसी न किसी आपके भाई के साथ हर इलाके में घटना हो रहा है, हर जगह आप पीटे जा रहे हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों को समझ में नहीं आया। हजरत, मैं इस गांव के बारे में आपको बता देना चाहूंगा कि खास करके मौलाना जमशेद साहब यहाँ पर है, मौलाना मुमताज साहब है, 5-7 साल पहले भी इस गाँव में इन लोगों का दौरा जरूर हुआ हुआ। ये बिल्कुल बंजर सा गांव, बिल्कुल बंजर लगता था। एक भी बिल्डिंग नहीं थी, एक आध दो बिल्डिंग थी, और जो घर थे वो सिर्फ कुछ मौलवी के चक्कर में, कुछ पंडित के चक्कर में परेशान रहते थे। सबसे यहाँ बीमारियां ही बीमारी थी, डॉक्टर और दिखाने वाले लोग से परेशान थे, ताबीज दुआ में रहते थे। आज माशाल्लाह, जब से ये मदरसा, मैं ये दावे के साथ कि अंबाटाण का नजारा चेंज, अंबाटाण का नजारा चेंज हो गया, मगर यहाँ के लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा। इन लोगों को लग रहा है कि हम अपने पैसे, ठीक है आप ही पैसे, अपने पैसे से बिल्डिंग, लेकिन ये जो यहाँ पे रात दिन जो कलाम पाक का तिलावत हो रहा है, इसका असर है जो आपके यहाँ तरक्की और आमदनी बढ़ रही है, जो आपका बिल्डिंग चक चक नजर आ रहा है। और जिस दिन ये मदरसा दुगुना होगा, अभी तक आपका एक तल्ला ही बिल्डिंग नजर आ रहा है, जिस दिन ये मदरसा आपका डबल होगा, इंशाल्लाह मैं समझूंगा कि आपका भी सारा बिल्डिंग डबल हो जाएगा। आप कम से कम इसके साथ तो खड़े हो जाएं। आपको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आपको पैसा नहीं मांगा जा रहा है बार बार, लेकिन कम से कम जिस वक्त आपको खड़ा होने का जरूरत है, उस वक्त आकर जरूर खड़ा हो, ताकि मेरा आने वाला मेहमान ये देखे कि यहाँ के लोग एक पैर पर खड़ा रहते हैं इस मदरसा के लिए। मदरसा की ढलाई हमारी और आपकी औकात नहीं है। जिसका घर है वो बना देगा। सुभान अल्लाह। देखते देखते 1.5 साल में ये बिल्डिंग बन गई, और इंशाल्लाह 10 दिन में ये जो बाकी है, 10 से 12 दिन में ये भी ढलाई हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मदरसा गौसिया अंबाटाण, नारे तकबीर। जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से अगला बिल्डिंग तैयार हो गया, देखते देखते कहां से इसका पैसा आया, कहां से कैसे हुआ, उसी तरह ये भी ढलाई हो जाएगा, पूरी उम्मीद के साथ। लेकिन मुमताज साहब, आप यहां खड़े होकर इस धूप में इतना वाक्य आपको सुनाया, लेकिन आपके दिल में वो गर्मी पैदा नहीं हुई, वो जज्बा पैदा नहीं हुआ, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि एक ईंट आपके आपके सारे गुनाहों को खत्म करने के लिए काफी होगा अगर मदरसा या मस्जिद में एक ईंट बस आपसे दिल से लग जाए। अगर आप एक ही ईंट लगाने के काफी तो एक ही ईंट जरूर लगाइए। एक बोरा सीमेंट भी देने लायक है तो एक बोरा सीमेंट ही दीजिए, हिस्सा जरूर लें ऐसे ताकि आप कल जो है सो मैदान मशर में पकड़े नहीं जाएं। वही ईंट आपको उठा के जन्नत में ले जाएगा। सारे वाक्य को आप सुनते हैं जानते हैं लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने कान को जब बंद रखते हैं तो अफसोस हो। हजरत मैं आप लोग को बता देना चाहूं कि आज से 10 साल पहले पार क्या आई मैं मानू 10-15 साल पहले हमारे दिमाग में ये बात आई थी कि एक ऐसा इदारा खोला जाए जहां पे हिंदी और उर्दू और सारी पढ़ाई का इंतजाम हो, हमारे बच्चों को बाहर जाना ना पड़े और यहीं से हम इंजीनियर और मेडिकल का भी तैयारी करें। बगल में एक गांव था, हम लोगों ने वहां के अंजुमन से बात कर जमीन लिया, हमने किसी तरह से वहां इदारा बनाया। 250 बच्चे इंग्लिश स्कूल, 250 बच्चे इंग्लिश स्कूल में आज भी पढ़ रहे हैं। लेकिन जिस वक्त हम लोग के स्तर से पढ़ रहे थे, इस इलाके में बहुत सारे स्कूल चल रहे थे, 8वां का जब रिजल्ट आया तो लोगों ने देखा कि वो बच्चे क्या रिजल्ट किस तरह का। लेकिन किसी कारणवश कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा, चलिए उसको हमको छोड़ना पड़ा। लेकिन आज भी खुशी है, कम से कम मेरा सुरुपियों में आज भी 250 बच्चा जो उर्दू इंग्लिश पढ़ रहा और कम से कम टोपी लगा कर जाता है तो एक खुशी होती है। स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे थे लेकिन जब टोपी लगा के जाता है तो अच्छा खुशी लगता है। मैंने यहाँ के तमाम एरिया के मुसलमानों को ये बात किया कि आपको जो इंग्लिश, आखिर तो आप अपने बच्चों को भेजते दूसरे स्कूल, आपको गाड़ी चाहिए था मैंने गाड़ी का इंतजाम, आपको ड्रेस चाहिए था मैंने ड्रेस का इंतजाम किया, बैग चाहिए था मैंने झोला नहीं बैग के साथ दिया। मैंने कहा कि तुमको तुमको खराब लगता है कि मेरा बच्चा दरी और बोरा पर बैठ के पढ़ता है, बेंच और टेबल का इंतजाम ताकि तुम अपने ही जगह में पढ़ो। आज अभी आपको एक डाटा हजरत ने दिया कि कितनी मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, आधा तो उसमें कट मर गई और आधा अपना घर चला रही है लेकिन गैर मुस्लिम के साथ। आप अपने बच्चियों के बारे में कभी नहीं सोचते। माशाल्लाह उस स्कूल में बच्चियां भी हमको लगता है 200 में 150 100 करीब बच्चियां पढ़ रही हैं। और मेरा इस जगह में भी वही ये है कि यहाँ भी स्कूल और मदरसा दोनों साथ चले गए और इंशाल्लाह मैंने आगे भी कहा था और इस बार भी कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी 1 साल के बाद यहाँ सिर्फ एक बच्चियों का मदरसा, बच्चियों का मदरसा बहुत चल रहा है इलाके में लेकिन सिर्फ मदरसा चल रहा है जिसका रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा है। वो रिजल्ट देने वाला मदरसा भी इंशाल्लाह एक बहुत जल्द खुलेगा। हजरत यहाँ का हालात ये है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब हम लोग स्कूल चला रहे हैं तो बच्चों को पढ़ाने वाला बच्चा नहीं मिलता। ये हालत है मुसलमानों में कि कोई ग्रेजुएशन नहीं मिल रहा है, ग्रेजुएट किए हुए कोई एमए किया लड़का जो हमारे बच्चों को पढ़ा सके, और हमारी मजबूरी है कि इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये बच्चा कम से कम इस कदर का तैयार हो जब कहीं कोई स्कूल खोले, जब कहीं कोई कोचिंग खोले उसको अपना आदमी तो कम से कम पढ़ाने वाला। हमारा एक और मिशन है, यहाँ से जो हिब्स करके जो बच्चे निकलेंगे वो बच्चे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ पे कोचिंग शुरू होगा जो इंजीनियरिंग भी सिखाएगा, इंजीनियरिंग की तैयारी भी कराएगा, मेडिकल की भी तैयारी कराएगा और लॉ की भी तैयारी करवाएगा। क्योंकि आज के डेट में इन सबसे ज्यादा जरूरत है हम लोग को अपने बच्चों को लॉ की तरफ। आज हमारा बच्चा अपना संविधान नहीं जानता, कोई पुलिस आकर के आपको जैसे पकड़ करके और गाली गलौज दे देता है, उसको ये हिम्मत नहीं होता कि हम उसको जवाब दें या उसका मुंह चुप कर सकें। अगर वो अपना संविधान जान जाए, पढ़ा लिखा होगा तो किसी पुलिस के एसपी तक को औकात नहीं है कि उंगली दिखा करके बात करे किसी। आज आप फिजूल खर्ची इतना ज्यादा करते हैं, आप अपने घर में शादियां करते हैं, लाखों लाख रुपया उड़ा देते हैं एक रात में, उसमें आपको अफसोस नहीं लगता। लेकिन इस तरह का जब मदरसा बनता है तो आपको 10,000-5,000 देने में बहुत अफसोस लगता है। गच भी बहुत सारे लोग गच भी देते हैं और लास्ट में वो पैसा यहाँ तक नहीं आता है, वो पैसा आज तक नहीं आता है।
जो वो पैसा जो आप खर्च कर रहे हैं ना उसको बचाइए। आजकल यहाँ पर एक सिलसिला चला हुआ इस इलाके में उमरा का, माशाल्लाह बहुत अच्छी खूबसूरत बात है, बहुत अच्छी बात है। उमरा करें आपको अल्लाह पाक ने दिया, हज करें, लेकिन उमरा जाने से पहले जो आप 1-1.5 लाख रुपया खर्च करते हैं लोगों को खिला करके और एक छोटा सा जलसा करा के, अगर उससे एक बेटी का शादी कर दें आप तो कई उमरा का सवाब इसमें नहीं करते हैं, लेकिन उसमें जाने का लोग, अरे उससे ज्यादा लोग जाने का। एक बेटी का खड़ा होकर अगर कोई शादी करेगा तो उससे ज्यादा जानेगा कि फला आदमी ने इतने पैसे से एक बेटी का शादी कर। हम लोगों ने वो भी मिशन चलाया यहाँ पे, पहले की शादियों में पटाखा और शराब और क्या कहते हैं बाजा एकदम आम था, लेकिन माशाल्लाह हम लोगों ने जब मिशन बनाया तो आज 2-3 साल से इस पे हम लोग बहुत काबू पा चुके हैं। यार किसी भी बड़ा पटाखा और कम से कम शराब ये सब तो बंद हुआ, दहेज भी बहुत कम हुआ है, लोग छिपे छिपे ले रहे हैं, लेकिन अब डिमांड करके जैसे लेते थे उसे नहीं लेते। लेकिन शादी में जो फिजूल खर्ची हो रही है आज भी वो कायम है, उसमें रुकावट हो रहा है। जो हम लोगों ने रखा था कि दिन में शादी करो, लाइट का खर्च बचेगा, बहुत सारा चीज बचता, उस पैसे को बचा करके किसी मदरसे में दे दो, उसमें नहीं दे पाते। आज हमारे यहाँ कोई इंतकाल कर जाता है, हम दिखाने के लिए 50 लोगों को 100 लोगों को लाके खाना खिला लेते हैं, बहुत बड़ा जलसा, शायद उस जलसे से उतना सवाब उस मैयत तक ना पहुंचेगा। अगर उसका आप एक खिड़की दरवाजा कुछ भी मदरसा के नाम पे लगा देंगे तो उससे जब तक वो मदरसा रहेगा तब तक उसका। इसको समझाने के लिए ये बच्चे तैयार किए जाए, ये बच्चे जब तैयार होंगे तो आपके अपने गार्जियन को अपने घर मोहल्ले में समझाएंगे तो शायद ये मुआसरा सुधरेगा। इसलिए मुआसरा को सुधारने के लिए आपको इस मदरसे पर ध्यान देना चाहिए। ये मदरसा इंशाल्लाह इलाके का एक पीस बनेगा आपका अगर साथ रहा, क्योंकि कोई भी आदमी अकेला कोई काम नहीं कर सकता, जितनी हाथें होंगी उतना काम ज्यादा होंगे। एक आदमी इतना बड़ा मदरसा को अकेला कोई एक लेबर कहेगा कि हम ढाल देंगे, नहीं हो सकता। इसको ढलाई करने के लिए 50 लेबर रखना पड़ता है, तो 50 लेबर लगता है तो 3-4 घंटा में ये ढलाई हो जाता है। उसी तरह से 50 लोगों का मेंबर होना चाहिए। हम लोग बार बार बोले कम से कम अम्बाडी मुरख बनाए के लोगों को खुल करके आपके इलाके में आपके घर में गोतिया में जितना दुश्मनी लड़ाई लड़ना लड़ते, लेकिन मदरसा और मस्जिद के नाम पे लड़ाई ना लड़े, इसका मेंबर बन के रहे। अगर आपका दुश्मन भी कोई है तो उसको बनवा दें कि आप भी इस मदरसे का मेंबर बनो और 150 रुपया ही इसमें खर्चा करते रहो। इसको देख रेख में, अपने देख रेख में ये भी देखें कि यहाँ की पढ़ाई कैसी हो रही है, यहाँ के जो पढ़ाने वाले हैं वो कैसे हैं, वो कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग का जो उम्मीद है उससे उसमें पानी तो नहीं फेल रहे हैं, उनको भी देखना है। इसीलिए मैंने इस इलाके के तमाम मस्जिदों को यहाँ से जोड़ कर रखा है। तमाम हर जगह के इमाम यहाँ का निगरानी करते हैं, जिससे उनको ड्यूटी दिया हुआ कि महीना में एक दिन आ करके आपको देखना है कि बच्चे का पढ़ाई कैसा हो, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब माशाल्लाह अभी तक चल रहा है, जिनको जब भी टाइम मिलता है मिसवाही साहब वहाँ से भी कभी कभी महीना में एक दो बार देखते हैं कि आ जाते हैं, हालांकि इसमें थोड़ा सा फाकी हमारे जबकि उसके सबसे बड़ा जिम्मेवार इन्हीं को बनाया गया है ना, लेकिन पता नहीं हमको लगा कि हम रजिस्टर में आपका साइन नहीं देखे हैं इसलिए लगा कि आप नहीं आए। तो इसलिए इस तरह से ताकि इसमें कहीं कोई कमी नहीं हो, इसलिए इसको हम लोगों ने जोड़ा है। और अभी हम बहुत खुशी की बात है कि एक बहुत बड़ी तंजीम के साथ हम लोगों को सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे इदारा को चलाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। हम इन लोगों के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपना वक्त दे करके हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ बढ़ाने के लिए आगे आए। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।